हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्लम के ये नेचर स्टूडियो काजल के बारे में। आई थिंक ब्लैक वाला जो था वो तो इट वाज लाइक अ रेज ऑलमोस्ट अ ईयर बैक। इट वाज वेरी पिगमेंटेड 24 आवर लॉन्ग लास्टिंग काजल है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने यूज नहीं किया है आज तक, देन यू आर मिसिंग ऑन अ रियली बिग थिंग। अगर आप काजल फैन हो और आपने अगर प्लम का ये ब्लैक वाला आज तक यूज नहीं किया है, देन गो राइट अवे एंड बाय इट, बिकॉज इट इज स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ एंड लास्ट ऑल डे। बट आज हम ब्लैक वाले की बात नहीं कर रहे हैं। प्लम ने लॉन्च किए हैं दो नए शेड्स। वन इज दिस ब्यूटिफुल टर्कोइज ग्रीन कलर। आई होप, मतलब मुझे ना कलर्स की बिल्कुल भी पहचान नहीं है, बट दिस इज कॉल्ड जेमस्टोन ग्रीन। अदर शेड इज दिस अपटाउन ब्राउन। सो आज हम इन दोनों शेड्स की बात कर रहे हैं। एंड यू सी बोथ दीज कलर्स ऑन माई आईज। एप्लीकेशन करके भी दिखाऊंगी एंड हम इनके बारे में बात करेंगे। सो वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ दीज काजल्स आर, एंड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ रेड सब्सक्राइब बटन पर हिट करना है, उसके बगल में छोटे से नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी हिट जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आप नोटिफाइड रहें एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो एंड यू डू नॉट मिस ऑन एनी वीडियोज लाइक दिस अगेन। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लम के ये जो नेचर स्टूडियो काजल है, उनकी पैकेजिंग जो है वही सेम बेसिक पैकेजिंग है, पर्पल टॉप बट कलर कोऑर्डिनेटेड बॉटम मिल जाता है आपको। इनका रिटेल प्राइस है 495 रुपीज़, बट आई थिंक नायका पे या प्लम की वेबसाइट पे भी आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। दे से दैट इट इज एन ऑल डे वेयर कोल काजल एंड 100% ऑल डे वेयर है। आप इसको एक बार लगाइए, इट इज नॉट गोइंग टू मूव, नॉट गोइंग टू गो एनी वेयर। आप ऑफिस गोइंग हो, आप काजल लगाना पसंद करते हो, या आप स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग हो, आप काजल लगाना पसंद करते हो, बिकॉज काजल इज समथिंग आप कहीं भी जाओ आप लगा सकते हो, वेदर यू लव मेकअप और यू डोंट लव मेकअप। सो इसीलिए, बट जस्ट टू हैव अ पॉप ऑफ कलर इन योर काजल इज अ गुड थिंग। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये जो कलर्स हैं ये बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, कोई भी पहन सकता है इनको, कोई भी लगा सकता है, आपको ऑकवर्ड फील नहीं होगा। आई हैव दिस जेमस्टोन ग्रीन ऑन माय अपर लैश लाइन। इतना क्रीमी है यू गाइस, ये इतना इजीली अप्लाई हो जाता है कि मेरे जैसे लोग जो विंग लाइनर नहीं भी कर पाते, उन्होंने भी आज विंग लाइनर करके दिखाया है। और मेरे वाटर लाइन में, लोअर लैश लाइन में मैंने यूज़ किया है ये अपटाउन ब्राउन। द नेम्स आर रियली अमेजिंग। सो अपटाउन ब्राउन को मैंने लोअर लैश लाइन में लगाए। ये बहुत ही डीप ब्राउन कलर है, ऐसा नहीं है बहुत लाइट ब्राउन है तो आपके आईज अजीब सी ऑकवर्ड सी लगेंगी। मैंने लैश लाइन में लगाया, उसके बाद इसको स्मोक आउट कर लिया टू गिव दिस ब्यूटिफुल स्मोकी कलर एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। आप चाहे तो अपने अपर लैश लाइन पर भी हल्का सा स्मोक आउट कर लीजिए ग्रीन कलर, तो वो एक स्मोकी सा इफेक्ट आ जाएगा। सो द फर्स्ट वन इज द जेमस्टोन ग्रीन और इसमें एक ब्लू हिंट है एज यू कैन सी। सो इट इज ग्रीन बट इट हैज़ अ ब्लू हिंट, वो टर्कोइज ब्लू काइंड ऑफ अ कलर जो होता है इज समथिंग सिमिलर टू दैट। देन वी हैव इज द ब्राउन वन विच इज द अपटाउन ब्राउन एंड दिस वन इज ब्राउन। इट हैज़ अ बिट ऑफ शाइन टू इट, बट देख लो आप, इट हैज़ अ बिट ऑफ शाइन टू इट, इट हैज़ स्पार्कल्स इन इट, बट ये एक ब्राउन कलर है विद अ हिंट ऑफ ब्लैक इन इट, तो एकदम ब्राउन जो टिपिकल ब्राउन कलर होता है वैसा नहीं है। एंड द थर्ड वन इज आर ए ओल्ड गुड ओल्ड ब्लैक शेड विच इज़ एक्सट्रीमली ब्लैक एंड एक्सट्रीमली पिगमेंटेड। जस्ट लुक एट दैट गाइज, इतना ज़्यादा क्रीमी है, आई कॉन्ट इवन डिस्क्राइब। द कलर्स आर टू डाई फॉर एवरी डे। दे आर द बेस्ट कलर्स यू कैन हैव इन योर वार्डरोब, लाइक इन योर वैनिटी। आप इन तीन कलर्स, लाइक तीन कलर के काजल अगर आपके पास ये हैं, यू आर ऑल सॉर्टेड। मैंने ये काफ़ी देर से अपने हैंड पे स्वॉच किया हुआ है और ये सेट हो चुके हैं अब तक, एंड मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि दीज आर सो गुड एंड स्मज प्रूफ, लाइक लुक एट दैट। ये बहुत वाटर प्रूफ भी है। द पर्पज ऑफ दिस वीडियो वॉज जस्ट टू शो यू गाइज हाउ गुड दीज काजल्स आर। एंड इफ यू आर अ कॉलेज गोइंग गर्ल और आप या फिर ऑफिस जाते हो, आप बहुत ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं करते हो, पर काजल इज योर थिंग, एंड यू शुड ओन दीज, बिकॉज दीज आर वेरी पिगमेंटेड, वेरी क्रीमी, स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ, ऑल डे वेयर। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, आई नो। एंड आपको एक हिंट ऑफ कलर मिल जाता है, यू कैन मैच इट विद योर ड्रेस, या ब्लैक से बोर हो गया एंड यू वॉन्ट टू जस्ट ट्राई आउट समथिंग डिफरेंट, यू कैन टोटली गो फॉर दीज। दीज आर वेरी गुड। ये शार्पन करनी पड़ती हैं पेंसिल्स, दैट इज़ वन थिंग दैट आई रियली डोंट लाइक अबाउट दीज, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज ग्रेट। सो दैट वॉज अ मिनी रिव्यू अबाउट द प्लम गुडनेस काजल। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दीज, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डू गो एंड चेक दैट आउट। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, देन डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।